टू व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मैग्नेट देखा आपने, मैग्नेट में नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, देखा आपने, ये देखिए ये मैग्नेट में जैसे कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या हैं? चार्ज पार्टिकल्स। दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों को बताना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपेल करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास पास आ जाएंगे तो रिपल्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव अगर बच्चों पास पास आ जाएंगे तब भी रिपल्शन होगा, और अगर ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट चार्जेस, जैसे भाई नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाओ आप तो रिपेल करता है, साउथ को साउथ के पास ले जाओ तो रिपेल करता है, ठीक उसी तरीके से प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ गया तो इन दोनों के बीच में, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास आ गया तो इन दोनों के बीच में बच्चों बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? ठीक है, NaCl। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आइए आपको एग्जांपल देते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2.8.1। अब आपको पता है सोडियम वन इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, चेक करो आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा तो सोडियम आयन बन जाएगा, चेक करो Na+ बन जाएगा। ठीक, और जैसे कि क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7। अब चेक करो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आपको पता है सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान से चेक करो, क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो वो सोडियम से ले लेता है और क्या बना देता है? Cl-। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना उसमें नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के आइटम पर नेगेटिव आ गया, अब हम इसको क्या बने बोलेंगे? क्लोराइड आयन बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, एक पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में बच्चों यहां पर बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप उसको। ठीक है ना, अब बच्चों जब फोर्स लगता है तो ये पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक, और इन्हीं को केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब नथिंग, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज फोर्स, इनके बीच में एक फोर्स लग गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से NaCl का एक मॉलिक्यूल, या आप बोल सकते हो फॉर्मूला यूनिट, बन के तैयार होगा, इसी तरीके से दूसरा NaCl बन के तैयार होगा, तीसरा, और हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है कि NaCl का एक लैटिस बनता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनता है। बहरहाल इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको बस ये समझना है कि अगर मुझे, सोचिए अब सोडियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करना हो, सोडियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करना हो तो क्या करना होगा बताइए? इसको मेल्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना होगा, ताकि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, ठीक है, इसका लैटिस ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इतने मजबूत बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी बच्चों देनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बना है, क्योंकि देखिए आयन से बना है, कैटायन है, पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इनके बीच में जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बस इसलिए सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पता है आपको सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल से लगभग 800 के आसपास होता है, ये 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है ना, 801 डिग्री सेल्सियस, सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल करने लगता है, 801 डिग्री सेल्सियस सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको ले जाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करोगे? हीट एनर्जी दोगे उसको, हीट के फॉर्म में एनर्जी दोगे, सही ना, तो ये चीज़ है। तो अब हमको देखिए लिखना क्या बच्चों यहाँ पर एग्जाम में, ये सब आपको, ये सब डेटा नहीं देना है, सब कुछ बताना नहीं है, तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। आपको एग्जाम में लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। ठीक, उसके बाद आपको बताना है देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो किसी आयनिक कंपाउंड के जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इनके बीच में क्या लगता है?
इनके बीच में बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट द आयनिक कंपाउंड। तो अगर आपको आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक आयनिक कंपाउंड आपको मेल्ट स्टेट में नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों ये पार्टिकल सब पास पास ऐसा रहेंगे तो सॉलिड फॉर्म में ही तो रहेगा ना। अब सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में ले जाना है तो इनको दूर दूर करना होगा, पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मजबूत बॉन्ड होगा तोड़ने में उतनी मशक्कत आपको करनी होगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। एक्चुअल में मैं एक बात बताता हूँ, सुनो होता क्या है, होता है ये है बच्चों, जब NaCl का मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट आप कुछ भी बोल दी, जब ये बनता है पता है, जब ये दोनों पास पास आते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। और जब भी सिस्टम स्टेबल होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये अपने बनते टाइम जितनी एनर्जी निकालता है ना, इसको वापस से तोड़ने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सुन लीजिए, जब NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का, तो भारी मात्रा में वहाँ पर एनर्जी निकलती है, भारी मात्रा में एनर्जी हीट के फॉर्म में वहाँ पर निकलती है और वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और जो भी कंपाउंड लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड तो बहुत ही लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। जब वो बनते हैं तो भारी मात्रा में एनर्जी निकालते हैं, तो सोचो अगर आपको वापस से इसको तोड़ना है तो आपको भारी मात्रा में एनर्जी देनी होगी हीट के फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हीट के फॉर्म में एनर्जी देते जाओगे, इसको 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाओगे तब जाके मेल्ट होगा। बात समझ में है कि नहीं? तो ये सब रीजंस आप लोग को लिखने हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।